ओम ज्ञानति मेरे ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभयक्ष कृपा सिंधुभय च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामीति नामिने। नमो आचार पादाय निताय कृपा पदायिने गौर कथा धाम दाय नगर ग्राम तारिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी का सातवें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सातवें अध्याय शुरू करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो आपने पहला सेक्शन जो भाग है गीता का वो बहुत ही सफलतापूर्वक सभी ने संपन्न किया। पहला भाग कर्म योग हमने कल तक अध्ययन करा। आज जो है वो भक्ति योग शुरू करने वाले हैं और ये पूरे गीता का सबसे मुख्य भाग है जिसको क्रीम कहते हैं ना, वो क्रीम है। ये 7 से लेकर के 12 अध्याय तक जो मुख्य उद्देश्य भगवान ने दिया है, इन 6 अध्याय के माध्यम से पूरे गीता का सारांश वो बताएंगे, ठीक है। और बाकी के जो 6 अध्याय पहले हमने पढ़े हैं और बाकी अंत के 6 अध्याय 13 से लेकर के जो 17 अध्याय तक करेंगे, और 18वां तो सारांश है, कंक्लूजन है। तो जो 6 अध्याय हम अंतिम के करेंगे वो इस 6 अध्याय को सपोर्ट करने का है, ठीक है। सपोर्ट करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप कुछ भी खाते हैं, बीच में कुछ क्रीम रख देते हैं ना, तो क्रीम जब रखने का जो क्रीम आप रखते हैं तब क्या होता है, आप ऊपर और नीचे जो है उसको किसी ना किसी चीजों से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आप बिस्किट हो, ब्रेड हो, जो भी। तो ये क्रीम हम खा रहे हैं अभी। आज से लेकर के 12 जो अध्याय है गीता का सारांश है। गीता का मुख्य उद्देश्य भगवान इन 7 6 अध्यायों में देते हैं, तो बहुत ध्यान से बने रहिएगा इन 6 अध्यायों में। इससे पहले कल भगवान ने क्या हमें समझाया, कल हमने भगवान ध्यान योग के बारे में बताया और कहा कि ध्यान योग में 8 पद्धतियां होती हैं जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं। यम, नियम, आसन। यम क्या होता है? यम होता है क्या हमें नहीं करना है, जो सन्यासी को क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे भीड़ भाड़ इलाके में सन्यास नहीं है, डोंट्स जिसको बोलते हैं ना, डोंट्स, तो क्या नहीं। निवृत्ति जिसको निवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, वो क्या और क्या करना है। यम, नियम, आसन। नियम मतलब होता है क्या करना है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं खाना है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। ना ही ज्यादा खाना है, ना ही कम खाना है, ना ही ज्यादा सोना है, ना कम सोना है, ना ही आमोद प्रमोद को नियंत्रित करना है, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। अपने मनोरंजन के लिए हम कुछ भी चीजों को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये नियम हो गए। और जब नियम का पालन शुरू करता है तो एक आसन वो ग्रहण करता है। आसन ग्रहण करने के बाद
प्राणायाम सांसों को, अपान वायु प्राण वायु को रेगुलेट करता है और अपने भावों के मध्य में लाता है ताकि भगवान के पे चित्त एकाग्र कर सके। और इसके बाद प्रत्याहार आता है, ठीक है। प्रत्याहार के बाद क्या, धारणा, ध्यान और सबसे अंतिम समाधि, जब भगवान का उसको साक्षात्कार हो पाता है, भगवान पे साक्षात्कार, भगवान को देख पाता है परमात्मा स्वरूप में। और वही एक जो आठवां जो प्रोसेस है, वही आठवें में उसका पतन भी होने का चांसेस रहता है। कैसे, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। कई तरह की सिद्धियां होती है ना, आठ तरह की सिद्धियां, अनिमा बहुत तरह की होती है, जो हल्का हो जाता है, लोग पानी में भी चल पाते हैं, सन्यासी सिद्धि पुरुष पानी में भी चल पाते हैं। तो कई ऐसा फिर हिप्नोटाइजेशन जैसे जिसको कहते हैं, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु वो भी एक होता है। तो इस तरह के सिद्धियां प्राप्त करके वो क्या करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि भाई मैं ही भगवान हूं बोल करके। तो वहां पे एक सन्यासी का पतन हो जाता है। अगर उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया तो ठीक है, और नहीं तो पतन होने के चांसेस हैं। फिर अर्जुन को बताते हैं क्या यह व्यवहारिक है, तो अर्जुन बताते हैं नहीं, भगवान यहाँ पे व्यवहारिक नहीं है, चंचल ही मन है, कृष्ण प्रमाथ ही बलव्रत दृढ़। तो ये बहुत चंचल मन है, वायु को तो पकड़ सकता हूँ लेकिन ये मन को पकड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं असंचय महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, परंतु ये संभव है अभ्यास के द्वारा। कैसे अभ्यास, कैसे करना है, खींच करके लाना है मन को और भगवान के चित्त पे लगाना है। और इसके बाद भगवान क्या क्या बताते हैं, इसके बाद बताते हैं कि उनकी गति क्या होती है, जो अध्यात्म में जो अध्यात्म में जिनका पतन हो जाता है कुछ, तो उनकी क्या गति होती है। तो भगवान इनको दो भागों में विभाजित करके बताते हैं। एक वो जो छोटे समय के लिए, अल्प काल के लिए भक्ति करते हैं और उनका पतन हो जाता है, तो भगवान बताते हैं कि उनका एक पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेह है शुचिनाम श्रीमताम। या तो अच्छे धनवान घर में उनका जन्म होता है, या फिर कोई सदाचारी पुरुष के घर में जन्म होता है, ताकि उनको ऐसा वातावरण मिल सके कि जो भक्ति उन्होंने छोड़ी है पिछले जन्म में वो पुनः वहीं से शुरू कर सकें। तो ऐसा भगवान बताते हैं। और जो दीर्घ काल बहुत लंबे समय तक जिसने भक्ति करी है उसको क्या कहते हैं भगवान, उसको कहते हैं कि वो उसका जो जन्म है वो वैष्णव परिवार में, ठीक है, वैष्णव परिवार में होता है। हमारे गुरु प्रभुपाद जी का एक वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, उनके गुरु उनका भी एक वैष्णव परिवार में जन्म हुआ। तो इनको शुरू से ही इस तरह का वैष्णव परिवार मिलता है ताकि भक्ति वो तुरंत स्वतः ही शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा करके फिर भगवान में अंत में क्या बताते हैं कि सब यज्ञों में श्रेष्ठ क्या यज्ञ है, तो सब यज्ञों में श्रेष्ठ भक्ति योग है। योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतेरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सह मे युक्तमो मत। जो श्रद्धा पूर्वक मेरी मुझे भजता है भगवान के लिए, कभी भी पूजा शब्द का, प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूजा शब्द के जगह भजते ज्यादा उपयोगी होता है। क्यों, भजते का क्या मतलब होता है, भजते का मतलब होता है हम भगवान को भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, पूजते नहीं है, उनकी सेवा करते हैं। और किस तरह से, भक्ति पूर्वक, ठीक है, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान भजते वो यो माम, यानी वो भगवान का वो भक्त सर्वश्रेष्ठ, योगियों में सर्वश्रेष्ठ है जो हर समय भगवान का चिंतन करता है, ठीक है, मनमना मनमना भव मत भक्तो, हर समय चिंतन करता है, ठीक है। यह कह करके भगवान उस अध्याय का समापन करते हैं। और उस अंत में जो सर्वश्रेष्ठ योग उन्होंने बताया, उस योग का शुरुआत हमें सातवें अध्याय से करते हैं। अभी हम सातवें अध्याय शुरू करते हैं, ज्ञान विज्ञान योग, ठीक है, और यहाँ से हम भक्ति योग शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही विशेष होने वाला है ये अध्याय, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने आपको क्या बताया, पिछले छह अध्यायों में दो में भगवान ने स्वतः स्टार्ट करा, पहला पहला किस कहाँ पे स्टार्ट करा, पहला भगवान ने चौथे अध्याय में जब इतिहास बताने के लिए आए भगवान, तब भगवान ने वो स्वतः शुरू किया वो अध्याय। और फिर कल क्या अध्याय, यानी छठा अध्याय भगवान शुरू करते हैं। अब
भगवान करीबन हर एक अध्याय, मात्र सिर्फ एक अध्याय छोड़ करके सारा अध्याय भगवान पूरे भक्ति योग में सारा कुछ बोलेंगे, शुरू करेंगे। तो भगवान जो अध्याय स्वतः बिना प्रश्न के शुरू करते हैं, वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री भगवान उवाच, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशय समग्रम यथा ज्ञाससि तत्श्रिनु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, आप सुनो कि तुम किस तरह मेरे भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित तो जान सकते हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्णा भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें जिस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण के शरण में कभी नहीं आते। तो क्या आने वाला है इस अध्याय में, वो 2-3 चीजें हम इस श्लोक से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने क्या कहा, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया, यानी अब मुझसे तत्श्रिनु, मुझसे अब सुनो। भगवान ने सुनने के लिए, सुनने का जो विधि है, श्रवण करने की विधि है, उसको बहुत महत्व देते हैं। और यहाँ कह रहे हैं, जैसे भगवान 18वें अध्याय में गए बताते हैं कि जो सिर्फ सुनता है, मेरी उपदेशों को सुनता है, वो अपने सुनने मात्र से मेरी भक्ति करता है। तो भगवान सुनने पे बहुत बल देते हैं। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सिंसियरिटी, और हमने इसका पहला अध्याय में भी इसका जिक्र किया, निष्ठा और दृढ़ता पूर्वक, अगर जब भी हमें श्रवण करना है तो हम बैठ करके, कभी भी बेड पे सोते हुए इसको श्रवण, भगवान की वाणी को श्रवण नहीं करना है। बैठ करके बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक, सिंसियरिटी से अपने को 45 मिनट, 1 घंटा जो भी दे सकते हैं दीजिए, ठीक है। तो भगवान यहाँ सुनने पर बल दे रहे हैं, इसलिए हम सुनने मात्र से कृष्णा भावनामृत हो सकते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। और क्या इसमें और क्या निकल के आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, इस पूरे अध्याय में भगवान बताएंगे अपने ऐश्वर्यों, अपने ऐश्वर्य के द्वारा वह कैसे हमें भक्त भगवान के ऐश्वर्यों के द्वारा कैसे समझ सकता है। नहीं तो हम तो हमेशा ढूंढने लग जाते हैं ना, भगवान तुम तो कह रहे हो, भगवान कहाँ दिखते हैं, ठीक है। तो भगवान हमें बताएंगे कि हम जैसे कनिष्ठ, मुझे जैसे कनिष्ठ कनिष्ठ भक्तों के लिए, या मुझ साधक के लिए जो अभी शुरू कर रहा है, उसको भगवान को देखना बहुत मुश्किल है। तो भगवान को कैसे हम देख सकते हैं, अपने ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्यों के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ये इस अध्याय में बताएंगे। और 2 चीज और बहुत मुख्य निकल के आएगा इस अध्याय में, वो है कि भगवान, उन 4 लोग जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं उसके बारे में बताएंगे, और 4 लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते और ना कभी कर पाते हैं, ऐसा भगवान इसमें ये 2-3 चीजों को बहुत बल देते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। 2 चीजें बहुत मुख्य है इस भगवान कह रहे हैं, क्या है, व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान। तो गीता क्या है, व्यवहारिक ज्ञान है, ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है कि हमने उठाया और इसको पढ़ लिया और इसको उपयोग हम करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि इसका उपयोग वो लोग अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं ला पाते हैं और सिर्फ वाद प्रतिवाद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब किसी के हम बहुत ज्ञान हो गए और किसी से वाद प्रतिवाद करना, वो उद्देश्य नहीं है गीता का। गीता का उद्देश्य क्या है, हमें इसे अपने जीवन में ढालना है, इसमें जीवन में बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का ज्ञान है, भगवान वही बता रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान है। और इसको जान लेने के बाद तुम्हें कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता, मतलब ये ज्ञान अपने आप में ही पूर्ण है। क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान 6 ऐश्वर्य हमने पढ़ा था ना, तीसरे दूसरे अध्याय में, भगवान भग ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान, ठीक है। भगवान के पास ज्ञान है, वो भी पूर्ण अनलिमिटेड असीमित ज्ञान है। क्यों ऐसा ज्ञान है, क्योंकि भगवान ये ज्ञान, ये वेदों का ज्ञान भगवान स्वयं देते हैं।
हम मनुष्य ये नहीं कह सकते, कोई चाहे वो कितना भी विद्वान प्रकांड विद्वान हो जाए, वो ये नहीं सब कह सकता कि वो पूर्ण ज्ञान, उसके पास पूर्ण ज्ञान है। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास चार दोष, मनुष्यों में चार दोष पाए जाते हैं, जो भगवान तो दोषों से रहित है, जो आचार्य भी इन दोषों से ऊपर है। वो दोष क्या होते हैं कि हमारी सेंसेस इनकम्प्लीट हैं, इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, हम देखने सुनने की हमारी क्षमता है, बोलने की क्षमता है, ठीक है, हम सब कुछ नहीं देख सकते, ठीक है, एक रूम में बैठ करके आगे क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते, हम अपने पीछे नहीं देख सकते हैं, हम साउंड सारा साउंड नहीं सुन सकते हैं, कई पशु हमसे ज्यादा साउंड सुन सकते हैं, ठीक है, तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जब इंद्रियां अपूर्ण है तो जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें कोई भी भ्रमित, हमें कोई भी भ्रमित कर देता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, अरे इस्कॉन वाले ऐसा कह रहे हैं, इस्कॉन वाले वैसा कह रहे हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारी इंद्रियां वो पूर्ण है, तो हम भ्रमित बहुत जल्दी हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के साथ सारा मनुष्य में, ये शास्त्रों में, ये मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। तीसरी क्या है, हम जब भ्रमित हो जाते हैं तो हम गलतियां भी करते हैं, गलतियां करना गलतियां करते हैं। और चौथा जो हम सब में पाया जाता है वो क्या है, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, हमें चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसको बोला जाता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो चार दोषों के कारण मनुष्य कभी भी ये नहीं कह सकता कि उसका जो ज्ञान है वो पूर्ण है, वो अपने आप में वो किसी को पूर्ण ज्ञान दे सकता है। इसीलिए तो आप जब भी देखते हैं कि हमारे भौतिक जगत में जितनी भी किताबें आती हैं वो 2 साल में न्यू एडिशन आ जाती है, चाहे वो विज्ञान का हो चाहे किसी का भी हो, नई नई एडिशन आ जाती है। लेकिन ग्रंथ क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, वो श्रुति है। श्रुति मतलब श्रुति के, भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा और ब्रह्मा जी के द्वारा ये परंपरा के द्वारा आ रहा है, और इसमें कुछ भी एडिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कि अपने आप में पूर्ण ज्ञान है, इसमें संशोधन का कोई विषय ही नहीं है, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है और इसको आप रिलेट कर सकते हैं, मनुष्यानां सहस्त्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो क्या है, भगवान कह रहे हैं, उदाहरण समझिए, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान के प्रति कोई शायद ही सिद्धि प्राप्त करता है, मेरे तरफ आकर्षित होता है, और उसपे भी कोई बिरला ही मुझे समझ पाता है। तो कितने लोग, गीता के कोर्स निशुल्क है, ठीक है, बस समय निकालना है, कई लोग ज्वाइन करते हैं और उसमें से कई लोग पहला दिन आते हैं और फिर धीरे 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 कम हो जाते हैं। तो ये भगवान, यही इसका रीजन आप देखिए, 5117 साल पहले भगवान ने अपने शास्त्र में लिख दिया। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम क्या है, हम जैसे मुझ जैसे बदजीव आहार निद्रा भय मैथुन में हमेशा व्यस्त रहता है, तो भगवान की वाणी पे, भगवान की वाणी सुनने में उसको आनंद नहीं आता, ठीक है। तो अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, एक शहर है, आप शहर में एक मैराथन का मान लीजिए आयोजन किया जाता है, जैसे चित्र में दिखाया जाता है, तो शहर में सभी लोग दौड़ तो सभी लोग सकते हैं, जो वृद्ध हैं वो नहीं दौड़ सकते, या जो जिनको कुछ शारीरिक कष्ट है वो ही नहीं दौड़ सकते, परंतु क्या मैराथन में सारे लोग भाग लेने जाते हैं, नहीं लेने जाते हैं, ठीक है, तो कुछ चुनिंदा लोग ही भाग लेते हैं, उसमें से भी कुछ चुनिंदा लोग उस दौड़ को, उस रेस को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है, पूर्ण कर पाते हैं। तो इसीलिए भगवान को समझना, हम भगवान को समझने का प्रयास ही नहीं करते, तो हम भगवान की वाणी को सुनने का प्रयास ही नहीं करते, ऐसा भगवान हमें बता रहे हैं। आगे इस श्लोक, इस अध्याय में आगे फिर भगवान बताएंगे, इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हम अपने पिता की बातों को सुनने में आनंद नहीं लेते, ऐसा पिता हमारे कह रहे हैं। भगवान अपनी 2 शक्तियों के बारे में हमें वर्णन करेंगे, ठीक है। हमारे कक्षा में प्रश्न आया था कि भगवान की अध्यात्म शक्ति क्या है, तो मैंने आपको बताया था, ये 7वें अध्याय में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो भगवान की 2 शक्तियां होती हैं, एक तो शक्ति होती है जो ये भौतिक जगत जिससे संचालित करते हैं भगवान, उसको अपराशक्ति बोलते हैं,
और एक शक्ति को पराशक्ति, जो भगवान की आध्यात्मिक जगत, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है या आदमी आध्यात्मिक जगत है। तो क्या है श्लोक? ये भौतिक जगत का श्लोक है, भौतिक जगत की शक्ति का श्लोक है। अपरा भूमिरापनलो वायु खम्मन बुद्धिरेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरिष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। इसको नोट करिए। तो ये 8 प्रकार की जो शक्तियां हैं भगवान की, अपराशक्ति कहलाती है। कहने का क्या तात्पर्य है? पंच भूत बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और खम यानी आकाश, ये 5 हमारे स्थूल तत्व हो गए, स्थूल तत्व है। और 3 जो होते हैं सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं। तो ये सूक्ष्म है, ठीक है। बुद्धि सूक्ष्म क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि हम विकसित नहीं कर सकते, वो बुद्धि लेकर के ही जन्म लेता है। अहंकार, आप एक दो अगर माँ के दो छोटे बच्चे होते हैं, एक थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक छोटा रहता है, तो जब बड़ा बच्चा देखते हैं आप, ये आपने नोटिस करा होगा कि जब माँ होती हैं वो माताएं अपने छोटे बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, माँ पे पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो बड़ा बच्चा क्या होता है, माँ को हमेशा थोड़ा ईर्ष्यालु हो जाता है कि माँ जो छोटे वाले को है वो ज्यादा ध्यान क्यों दे रही है, ठीक है। तो ये अहंकार क्या हम माँ बाप सिखाते हैं? नहीं, ये अहंकार सूक्ष्म रूप में आता ही है बच्चों के साथ, किसी के पूरा मनुष्य के साथ। भगवान कह रहे हैं ये हमारे, ये जो 8 तरीके, ये 8 स्थूल और 3 सूक्ष्म, ये हमेशा ये मेरी अपरा शक्ति है, जिसके 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 द्वारा ये पूरा प्रकृति जो है, भौतिक जगत जो है वो संचालित होता है, ठीक है। अब भगवान कहते हैं ये 8 चीजों को आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। और ये भगवान अब पराशक्ति के बारे में बताते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति। अप्रयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम्भू जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा भक्ति प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? एक तो भौतिक बहिरंगा शक्ति के बारे में उन्होंने बता दिया। बहिरंगा शक्ति यानी भौतिक शक्ति जो है भगवान की, जो भौतिक शक्ति हमने पढ़ा अभी, 8 होते हैं, पंचभूत, 5 स्थूल, 5 सूक्ष्म, 3 सूक्ष्म, ठीक है, 8 होते हैं। और अभी भगवान आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताते हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति कौन है? ये जीव है, जितने जीव हैं भगवान कह रहे हैं ये जीव जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा एक और भी शक्ति होती है भगवान की, तटस्थ शक्ति बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जीव जो है प्रकृति का विदोहन करने लगता है। जैसे ये प्रकृति है, सिर्फ उस प्रकृति का हम विदोहन करने लग जाते हैं और उसमें अपने मालिकाना स्थापित करने लग जाते हैं हम। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था एक दिन, कि एक जो किसान होता है वो किसान अपना पेड़ का उपज करता है, ठीक है, पेड़ लगाता है, बीज लगाता है, उसको बड़ा करता है, और उसका अपने आप को उसका उस पेड़ का मालिक समझने लग जाता है, जबकि उसे ये ज्ञात नहीं है, उस पर ये ध्यान नहीं आता है। उसकी जो उसके सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज को बड़ा बड़ा करने के लिए भगवान की प्रकृति ने उसका साथ दिया है। तो जीव तो भगवान का शाश्वत, भगवान का आध्यात्मिक शक्ति है, ठीक, जिसको पराशक्ति बोलते हैं, ठीक है। परंतु ये कभी कभी प्रकृति के विदोहन करने की वजह से दोनों के बीच में आ जाता है, बहिरंगा और आध्यात्मिक यानी तटस्थ शक्ति उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकृति है ये कैसे चलायमान होती, कैसे एक्टिव होती है, ठीक है। तो ये चलो यहाँ कह रहे हैं, आप जैसे कार को ले लीजिए, एक गाड़ी है, कार है, कार में सारा इंजन है, समझ लीजिए कार एक प्रकृति है, ठीक है, एक इंजन है। वो खड़ा, जब तक उसको ड्राइवर नहीं मिलेगा गाड़ी क्या चल सकता है? नहीं चल सकता है, ठीक है। जब तक उसको कोई चलाने वाला, या तो फिर कोई ऑटोमेटिक गाड़ी हो तब भी वो इंस्ट्रूमेंट से चलेगा, कभी कोई तभी भी वो कोई रिमोट से चलेगा, या उसको चलाए मान कोई ड्राइवर चलाएगा। तो ड्राइवर कौन हो गया? जीव।
तो ये प्रकृति जो चलायमान हो रही है वो कैसे हो रही है, वो जीव उसको विदोहन करता है तब ये एक्टिव होती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, अर्जुन को धनंजय नाम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान जब उनको नया राज्य मिला था तो इंद्रप्रस्थ मिला था, तो इंद्रप्रस्थ को के लिए यज्ञ करने के लिए एक बहुत युधिष्ठिर महाराज को बहुत धन की आवश्यकता थी। तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर महाराज अपने भ्राता को धन उपार्जन करने में बहुत सहायता किया था, इसीलिए उनका नाम धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए। मत्तः परप्तरम अनन्यत किंचित दस्ति धनंजय मयि तदमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। यानी भगवान जो है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, भगवान क्या है, ये पूरी प्रकृति कैसे आती है, ये भौतिक जगत आता कैसे है। भगवान अपने आप को तीन रूप में विस्तार करते हैं। ठीक है, आपको बहुत संक्षेप में समझाता हूँ। भगवान अभी तीन रूपों में विस्तार करते हैं अपने आप को। महाविष्णु के रूप में, अपने आप को विस्तारित करते हैं। ठीक है, तो कारणो दक्षाय में वो जितने भी सांस छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो जितने बबल्स निकलते हैं, जितने बुलबुले निकलते हैं, वो ब्रह्मांड के रूप में आते हैं। ठीक है, तो हर हर बुलबुले में वो अपने आप को दोबारा सेकंड टाइम, पहले तो कारणो दक्षाय विष्णु, फिर अपने आप को वो दोबारा उन उन जो बुलबुले होते हैं, उन बुल यानी वो बुलबुले क्या हैं, ये हम जो बुलबुले समझ रहे हैं वो बुलबुले नहीं है, भगवान के बुलबुले ब्रह्मांड बन जाते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है उन ब्रह्मांड में अपने आप को दोबारा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। ठीक है, और फिर अपने आप को तिवारा करते हैं। तिवारा कहाँ करते हैं? उस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जड़ और चेतन वस्तु है, पत्थर से पत्थर, छोटे से छोटे कण में अपने आप को तिबारा वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं शिरो दक्षाय विष्णु। तो भगवान का ये पुरुष अवतार कहलाते हैं, श्वास अवतार है भगवान के, विष्णु महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरो दक्षाय विष्णु। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं भौतिक और आध्यात्मिक उसकी उत्पत्ति और तथा प्रलय मुझसे ही जानो। तो भगवान सभी के भगवान यहाँ कह रहे हैं ये मुझसे ही होते हैं, ये जितना भौतिक जगत आता है और आध्यात्मिक जगत जितना है वो मुझसे ही होता है। और फिर क्या कह रहे हैं, ये जो भौतिक जगत चलायमान है, वर्षा होता है, सूर्य का हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सारे ग्रह अपने अपने मार्ग में चलते रहते हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश देता है, ऐसा नहीं कि सूर्य ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जो सूर्य अपना प्रकाश नहीं देता हो। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये उसी तरह स्थित है, ये उसी तरह चलता है जिस तरह ये माले में, जो एक माला आप देखते हैं उसमें धागा, धागा हमें नहीं दिखता लेकिन माला हमें दिखता है। तो भगवान का जो ये प्रकृति है जो चलाते हैं, ये भगवान इस तरह इसको संयोजित करते हैं कि हमें ये ऑटोमेटिक दिखता है लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये भगवान इसको मोती के तरह, हमें मोती दिखता है बट धागा नहीं दिखता, धागा कौन है, भगवान इसको चलायमान कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश, वर्षा देते हैं। ठीक है, ये जो सुबह होता है शाम होता है, सारा कुछ कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। जब आप एटीएम मशीन में जाइए, एटीएम मशीन में आप कार्ड डालते हैं, पैसा निकलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आपको ऑटोमेटिक आ रहा है, इसके पीछे भी कोई इंजीनियर ने उस मशीन का इंजीनियरिंग करा है और उसमें पैसा डाला गया है और वो बैंक के द्वारा संयोजित है। ठीक है, वो उस मशीन बैंक के द्वारा संयोजित है तभी उससे पैसे निकाल पाते हैं। उसी तरह ये प्रकृति जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है। कई पंथ के लोग बोलते हैं ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक नहीं, भगवान ये कहते हैं
ये मेरे द्वारा चलायमान है। 10वें अध्याय में दोबारा इसका विस्तार से पढ़ेंगे हम। भगवान क्या बोलेंगे, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये सारा दृश्य जगत भौतिक और जड़ वस्तु मेरे से ही उत्पन्न होती है और ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसे मैं चलाता हूं। चलिए भगवान के ऐश्वर्य का जिक्र करते हैं। भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं इस दृश्य जगत में, मुझे जैसा बदजीव जो भगवान को हर समय बोलता है कहाँ दिखते हैं भगवान, उसको भगवान, हम जैसे लोगों के लिए भगवान बहुत अच्छे से ऐश्वर्य के द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पुरुषम ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, प्रणव सर्व वेदेशु। भगवान जो ओम बोलते हैं, ओम ओम भगवान कह रहे हैं, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक एव निज सत अखिलात्म भूतो। भगवान अपने धाम में भी है और अपने ऐश्वर्यों के माध्यम से हमारे पास भी है। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि इस भगवान कुछ अपने ऐश्वर्यों के द्वारा हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, पानी, पानी जो है हमारा भौतिक विज्ञान कहता है इट इज ओडरलेस, इट इज टेस्टलेस, ये ओडरलेस है, ये इसमें कोई स्मेल नहीं है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। जो स्वाद नहीं है वो स्वाद हमारा अध्यात्म जगत कहता है, भगवान कहते हैं वो स्वाद मैं हूं। गर्मी से जब आप घर में आएंगे या कहीं जाएंगे, आपको कोई और पेय दे दिया जाए, चाहे वो कितना भी मीठा हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता जो जल कार्य कर सकता है। क्या वो स्वाद क्या है, वो तृप्ति जो देता है पानी, वो पानी, वो और कोई जल वो नहीं कर सकता। ठीक है, आप कितना भी चाहे स्वादिष्ट पेय जल बना लीजिए, परंतु जो तृप्ति पानी आपको देती है वो जल के अलावा कोई और पेय नहीं दे सकता। तो वो स्वाद, जो तृप्ति है, जो स्वाद है, वो क्या है, वो भगवान का ऐश्वर्य है। तो अगली बार जब भी हम जल का ग्रहण करें तो भगवान का ऐश्वर्य समझ के ग्रहण करें। भगवान कह रहे हैं इन ऐश्वर्यों के माध्यम से मुझे तुम समझ सकते हो, तो ये संकेत मात्र है। अगर हमें समझना है तो ये संकेत मात्र है। चांद सूरज की रोशनी, कुछ और भगवान ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, चांद सूरज की रोशनी, वैदिक मंत्रों में ओम। तो ओम क्या है, ओम का मतलब है भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है, ओम का मतलब हम क्या ही लोग कहते हैं, ओम मतलब भगवान, नहीं, ओम मतलब भगवान नहीं, भगवान का ये ऐश्वर्य है। अब जैसे टाटा, टाटा कोई कंपनी है, एक टाटा एक कंपनी है, तो टाटा को हम उनके ऐश्वर्यों के द्वारा कैसे जान सकते हैं, उसके लोगों के द्वारा, लोगो लिखा रहता है ना टी, उनकी गाड़ियों में टी लिखा रहता है या कई चीजें जो वो बनाते हैं उसमें टी लिखा रहता है, जो लोगो है वो टाटा कंपनी का ऐश्वर्य है। उसी तरह ओम क्या है, ओम भगवान का लोगो है। ठीक है, उसके माध्यम से हम भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं। लेकिन भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो भगवान स्वयं है। तो बहुत लोगों को बोलते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र और ओम में क्या फर्क है, हम तो ओम का मतलब तो भगवान ही होता है, ओम का मतलब भगवान नहीं है, भगवान का लोगो है। तो क्या हम लोगो पढ़ करके हम टाटा कंपनी के बारे में जान सकते हैं क्या, नहीं। लोगो क्या है, भगवान लोगो, लोगो क्या होता है, उस कंपनी का एक ऐश्वर्य है, उसको, उसके द्वारा हम जानते हैं कि ये भगवान को, ये उस कंपनी को सिग्निफाई डिनोट करता है, परंतु वो भगवान, वो कंपनी नहीं होता। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र भगवान स्वयं है। ठीक है, तो ये फर्क है। ध्वनि, ईश्वर भगवान कह रहे हैं इथर में ध्वनि, यानी आकाश में, आदमी की योग्यता, कई लोगों को हम में एक विशेष, सभी में योग्यता होती है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो वो भगवान कह रहे हैं वो टैलेंट जो है, टैलेंट वो मैं हूं। पृथ्वी का सुगंध, आग का तपिश, ऑल दैट लाइफ, जिंदगी, सभी तपस्या का तपस्या, ये कह रहे हैं भगवान मैं हूं। ठीक है, सभी शक्तिशाली पुरुष का कौशल मैं हूँ,
जहां भी ऐश्वर्य आ गया, तो आप जैसे एक सरकार है, सरकार का तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत पूरे पूरे देश को चलाती है, कई स्कीम से चलाती है, कई उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कई उनकी पॉलिसी हैं जिनके द्वारा ये पूरा पूरा देश चलता है, परंतु उनके ऐश्वर्यों के माध्यम हम सरकार को तो नहीं देख पाते, हम जैसे लोग सरकार को नहीं देख पाते। तो सरकार को देखने का भगवान क्या बता रहे हैं, उनके ऐश्वर्यों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे आपके शहर में मेट्रो चल रहा है, ठीक है, तो मेट्रो क्या है, भगवान का एक सरकार का ऐश्वर्य है, सरकार के आपकी तरफ सरकार का एक अचीवमेंट, एक ऐश्वर्य है, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि एक मेट्रो, ये रेलगाड़ी या कुछ भी चीजें, ये एक सरकार का ऐश्वर्य है, उसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं, अरे देखो इतने बड़ा मेट्रो नेटवर्क चलता है, इतना पूरे देश में इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क चलता है, ये एक सरकार का ऐश्वर्य है। उसी तरह भगवान को अपने जानने के लिए, नए भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, मुझे इस इन ऐश्वर्यों के द्वारा तुम जान सकते हो, ठीक है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान इन तीन गुणों का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका हम विस्तार से 14 अध्याय से लेकर के 17 अध्याय तक इन गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा तो समझा देता हूँ, हम माया में जो ये प्रकृति में बंधे हुए हैं, ये इन तीन गुणों के द्वारा ही बंधे हुए हैं। ये चित्र के माध्यम से आप हमेशा समझ के रखिए, ये जो तीन है, ये माया देवी है, ये हमें ये तीन गुण है, माया देवी की तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हमें बांधे हुए हैं, ठीक है। और हम इसी के कारण तो कहते हैं हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, अमेरिकी हैं, हम ये हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हम इस अपने आप को हर तरह का वाद पे, जो हम राज्यवाद, शरीर जातिवाद, देशवाद है ना, तो ये जितना वाद है, ये हम इन गुणों के द्वारा होता है। जब हमारा भगवान कह रहे हैं हम तो रेंटल शरीर में हैं, इतने दिनों के लिए, इतने कम समय के लिए हम आते हैं, तो क्यों वाद के लिए हमें झगड़ना है, भगवान कह रहे हैं मैं इसके परे हूं, ठीक है। तो भगवान इसके इन गुणों के प्रति परे हैं। इसको और विस्तार से हम अगले अध्याय में, अगले 14 से 16 17वें अध्याय तक पढ़ेंगे। अब भगवान उन चार लोगों के बारे में बताते हैं जो भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, और वो चार लोग जो भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते। अभी जो ग्रहण करते हैं वो कौन कौन है वो समझते हैं। देवी ही ऐशी गुणमयी मम, बिल्कुल चालू कर हो गया है क्या? हाँ मैंने चालू करवा दिया था इसको।